PMNR पक्षरु रेल दुर्घटना मृतक और आहतों पर सहायता राशि घोषणा है। आंध्र प्रदेश कंटाकापल्ली आलमंडा स्टेशन निकट में घटी एक भयंकर दुर्घटना। प्रथम गोटे ट्रेन लाइनच्युत होगा परवर्त समय दुईट ट्रेन आसी ताक धक्का देते फल वर्तमान सुधा आठ जन जी मृत्यु घटा बेले चालीस अधिक जी आहत होती। यह दुर्घटना खबर शुणापुर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव गभीर शोक व्यक्त करते सहायता हेल्पलाइन नंबर जारी कर प्रधानमंत्री जातीय रिलीफ फंड पक्षर ट्रेन दुर्घटनार मृतक और आहतों पर सहायता राशि घोषणा कर त्वरित भाव उद्धार कार्य करवा और यथासंभव आंबुलांस पठाइवा को मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी आदेश जारी करते सहित आहतों मागणारे चिकित्सा कराइवाई निकटवर्ती समस्त हस्पिटाल गुड़ी निर्देश देते आहत जात्री मानक किपर शीघ्र और सठिक भाव चिकित्सा सुविधा मिल पार से नहीं सुनिश्चित व्यवस्था ग्रहण करने को स्वास्थ्य पुलिस राजस्व और अन्य विभाग अधिकारी मुख्यमंत्री निर्देश। तो चलो देखिए परवर्त अपडेट कौन रही। पिंजर आकाश छुआ दर को नहीं चिंतार खाऊटी। पिंजर आकाश छुआ दर एवं खाऊटी मन में चिंता सृष्टि करज दर प्राय दुई सप्ताह भितर हो डबल किलो प्रति एवं दर षाठी पैंसठ टाँचा होता बेले गुजारण मेटाइवा कष्टर हो गला। तेज पर्याप्त परिमाण में पिज आसुन बेले गोदाम पिज चढ़ा दर में किणी चढ़ा दर में बिक्री करने को बाध्य खुचरा व्यवसायी। कार्तिक आरंभ में पर दर जगार पिंजर महंगा माड़ साधारण जीवन को अस्तव्यस्त कर पकड़ा। पिंजर ताति एवं राज्य सब बड़ पनीपरिया मंडी छत्र बजार में देखा मिलूँ। मात्र दुई सप्ताह भितर पिंजर दर में निया लग जा गत सप्ताह पिंज दर चालीस टाँचा थी बेले षाठी पैंसठ टाँचा को पहुंची जा किलो प्रति वृद्धि खाऊटी चिंता को द्विगुणित करपटे पिंज गोदाम पर्याप्त माल मिलून चिंतार खुचरा व्यवसायी चढ़ा दर में किणवाक पड़ू बाध्य चढ़ा दर में बिक्री करने को पड़ूँ खुचरा व्यवसायी। तो चलो देखिए परवर्त अपडेट कौन रही। केरल ब्लास्ट थाना आत्मसमर्पण कला अभियुक्त विस्फोरण निजुक्त कला दायी। केरल बोमा विस्फोरण को नहीं एक बड़ खुलासा हो सूचना मुताबक केरल एडीजीपी एम आर अजित कुमार कहते त्रिशूर ग्रामीण कड़कड़ा थाना जड़े व्यक्ति आत्मसमर्पण कर विस्फोरण से ही घटाई व्यक्ति जनक दावी कर आत्मसमर्पण कर व्यक्तिर नाम डेमिनिक मार्टिन। से दावी करभार एक गोष्ठी सहित जड़ित अच्छी आम यह सुनिश्चित करुचु यही मामलार समस्त दिग्वर आम दृष्टि रखिचु हल मझे एक विस्फोरण घटी एडीजीपी सूचना देखी कही रखुचु। केरल कोच्चि जामारा अंतर्जातीय सम्मेलन एक प्रदर्शनी केन्द्र में रविवार एक प्रार्थना सभा चली समय हठात एक बड़धरण विस्फोरण घटी प्रार्थनापी एठार दुई हजार अधिक लोक एकाठी होते प्राथमिक अनुसंधान जमापड़ी जी विस्फोरण इनसेंडियर डिवाइस व्यवहार कर डिवाइस आई टी पी होता है यह द्वारा एक छोटिया विस्फोरण हुए जो थी घटनास्थल में निया लग जाए। तो चलो देखिए परवर्त अपडेट कौन रही। आगू दीपावली दीपावली पूर्व पेनसनधारी बढ़ पेनसन झीक मिल पचीस हजार पेनसनभोगी एक बड़ खबर। बर्तमान आपन पाता पेनसन रे वृद्धि घटव दीपावली अनेक लोक राज्य सरकार उपहार पाई यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आश्वासना दे कहते जे पेनसन शीघ्र वृद्धि पाव किंतु एथर गरीब महिला पेनसन परिमाण वृद्धि पाव। लखनऊ में प्रकाशित एक बृत्ति अनुजाई मुख्यमंत्री अनुषित सभार कहते जदि कौन समाज आत्मनिर्भरशील और शक्तिशाली हो पारना तेज अर्धेक लोक सुरक्षित और सम्मान सहित बंची पारे ना। मुख्यमंत्री कहते अधा जनसंख्या को सम्मान न दे विकास योजनार मूल्य असंपूर्ण। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना अधीन जड़े कन्या सतान जन्म पर स्नातकोत्तर अध्ययन सरकार बर्तमान पर्यंत पंद्रह हजार टंका देउछन्ति। नूतन अधिवेशन एही परिमाण को पचीस हजार टंका को वृद्धि करने को निष्पत्ति नि। तो चलो देखिए परवर्त अपडेट कौन रही। ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग पक्षर निकट में अनेक पदपाई निजुक्ति विज्ञप्ति प्रकाश पाई योग्य प्रार्थी को ग्रुप बी ग्रुप सी पदर निजुक्ति मिल ओएसएससी मिलित स्नातक स्तरीय 2023 परीक्षा पर आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो जाए। अक्टोबर मस 14 तारीख ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो सारी बेले नवंबर 14 तारीख में समाप्त हो पूर्व 495 पद खाली बेले एवं मोट पद संख्या 504 को वृद्धि पाई। प्रार्थी मैंने ऑडिटर ऑडिटर सीएए टेक्सटाइल इंस्पेक्टर जूनियर असिस्टेंट वेलफेयर एक्सटेंशन ऑफिसर हैंडीक्राफ्ट्स
ପ୍ରମୋସନ ଅଫିସର ଜୁନିୟର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଏପରି ଭାବେ 31 ପ୍ରକାର ପଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନଭେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 1 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ 18 ବର୍ଷ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ 38 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେକୌଣସି ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକ ପାସ୍ କରିଥିବେ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଥିବେ। ଏହା ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଇମେଲ୍ ୱାର୍ଡ ପ୍ରୋସେସିଂ ତଥ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ଉପସ୍ଥାପନ ଜାଣିଥିବେ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ www.ossc.gov.in ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ସାରା ଦିନ ରେପରି ପଛେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।